अच्छा, तो सबसे पहले जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये टाई एंड डाई कलेक्शन में से है, अलफते फैब्रिक्स के। तो इसमें मैंने ये वाली लेस ऐड की है। इसमें दो तरह की मैंने लेसेस ऐड की हैं, एक ये जो ब्लू वाली है ये मैंने लेस ऐड की है, और एक ये मिरर वर्क वाली ऐड की है। यहाँ पे चुनट स्टाइल है और ये लॉन्ग फ्रॉक है जैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल सा गला बनाया है और इसके जो बाजू हैं, बाजू के ऊपर ये वाली लेस यूज़ की हुई है। और इसका जो लास्ट में है वहाँ पर भी लेस को ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जो इसके लास्ट है वहाँ पर इसको इस तरह से जो बाजुओं पे लेस लगाई हुई है उसी को बॉर्डर पे लगाया हुआ है, आपको मैं इस तरह से दिखाती हूँ। तो ये मेरा ब्लू ड्रेस है। जो सेकंड ड्रेस है वो भी टाई एंड डाई कलेक्शन में से है। ये मैंने ड्रेस चूज़ किया था, ये मेरे बाबा की चॉइस थी ये वाला प्रिंट, तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। आप इसकी कंप्लीट लुक देख लें। ये भी फ्रॉक स्टाइल है क्योंकि मैं लॉन्ग पहनना पसंद करती हूँ, तो सारे के सारे जो फ्रॉक हैं ये लॉन्ग स्टाइल में। इसमें जो कपड़ा यूज़ किया है ये जो है ये टाई एंड डाई कलेक्शन में से है, और जो ये वाला कपड़ा है जो बीच में ऐड किया है ये एक्स्ट्रा लेके आई थी मेरी मम्मा, तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। और इसमें भी दो तरह की लेस यूज़ हुई है, एक ये जो इस जिसको ये बोलते हैं सीढ़ी फीता बोलते हैं मेरे ख्याल में, एक ये वाली है और एक ये वाली। ये थोड़ी फंकी स्टाइल में है, तो अगर आप ये गले का डिज़ाइन कॉपी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये इस तरह से है और इसकी मैं आपको स्लीव्स चेक करवा देती हूँ। इसकी स्लीव्स पे भी वही लेस लगी हुई है जो इसके गले पे लगी हुई है। और अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो आप इसका बॉर्डर चेक कर सकते हैं, इस तरह से है इसके बॉर्डर का जो डिज़ाइन है, यही लेस इसके बॉर्डर पे भी लगी हुई है, ये देखें। ये मैं कंप्लीट ड्रेस की आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें से जो भी आप स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके ये गले के बाद ये यहाँ से डिफरेंट स्टाइल है, जैसे फ्रॉक स्टाइल है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट वाले ड्रेस से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अंदर जो ट्राउज़र है वो सिंपल कपड़ा जो गले पे लगाया हुआ है उसी का ट्राउज़र है, और उसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा रही। और ये कंप्लीट ड्रेस है। अच्छा, तो जो थर्ड वाला ड्रेस है वो मैंने कमीज़ सलवार प्रेफर किया था क्योंकि फ्रॉक के अलावा जो ईस्टर्न वियर में मुझे पसंद है वो कमीज़ सलवार है, तो ये भी टाई एंड डाई कलेक्शन से है। इस ड्रेस के ऊपर भी टू डिफरेंट किस्म की लेसेस यूज़ हुई हुई हैं, एक ये जो बॉर्डर पे है और एक ये इनर साइड पे, ये मैचिंग करके लेस मंगवाई थी। और इसके बाजू के ऊपर जो काम हुआ हुआ है इसके बाजू के ऊपर भी उसी तरह से लेस ऐड की हुई है। और फिर सेम तरीके से बॉर्डर पे भी उसी तरह से लेस को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसके अगर ट्राउज़र चेक करें
ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग किस तरह की है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसका ये इसी कलर का दुपट्टा है, और इसका ट्राउज़र बिल्कुल ऐसे प्लेन है, जिस तरह से इसके कमीज़ का प्रिंट है उसी तरह से इसके ट्राउज़र का प्रिंट है। आप ये देख लें, ये सूट पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट लगता है। और जहाँ तक रही क्वालिटी की बात, तो अलफते फैब्रिक्स का जो कपड़ा है, आप अगर इसको इस तरह टच तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। आप बगैर किसी डाउट के इनसे कपड़ा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रेस नंबर 3। ये मेरा फोर्थ और लास्ट वाला ड्रेस है। आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो लास्ट में है बॉर्डर पे भी लेस लगी हुई है मिरर वर्क की, और ये पूरी इस तरह से अंगरखा स्टाइल में ये फ्रॉक है। और इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी सेम लेस लगी हुई है। इसके लिए आपको कपड़ा कितना लेना है तो वो उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप शलवार कमीज़ का कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो वो 5 मीटर होगा, और अगर आप फ्रॉक का कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो मैंने वो भी 5 मीटर परचेज़ किया था। उसके साथ जो टाइट्स या ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो मैंने अलहदा से बनवाए थे, तो इनके साथ मैं टाइट्स यूज़ करूँगी। और दुपट्टा है इसके साथ भी, वो मामा ने सेपरेट ला के मुझे दिया था, तो वो भी सेपरेट है। और ये सारी इनकी टाई एंड डाई कलेक्शन है। कपड़े की क्वालिटी के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर परचेज़ करें, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके कपड़े की। अच्छा, तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं ऑनलाइन इसको, तो आप इसके इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं और ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी कि इसके इंस्टाग्राम पेज पे आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्च में जाके अलफते फैब्रिक्स, और आप डिफरेंट इनकी जो न्यू रेंज है वो चेक कर सकते हैं, और जो पहले से रेंजेस अवेलेबल हैं उनको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने टाई एंड डाई परचेज़ किया था, तो इनके टाई एंड डाई करंडी में भी आ गया है और खद्दर में भी आ गया है। तो आप इनके टाई एंड डाई के डिफरेंट प्रिंट्स चेक कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लें और उसको वेबसाइट पे जाकर परचेस कर सकते हैं। इनके बायो में ही इनके वेबसाइट का एड्रेस गिवन है, तो उस पर आप क्लिक करें तो आप उनकी वेबसाइट तक चले जाएंगे। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर मेन कलेक्शन और वुमेन कलेक्शन दोनों अवेलेबल हैं। आप जो परचेस करना चाह रहे हैं उसमें जाएँ और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स गिवन है उनमें से कोई भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने, क्योंकि वुमेन कलेक्शन में से परचेज़ करना है तो मैं उसमें जाऊँगी। आप देखिए, इसमें शॉल, सॉक्स, खद्दर, टाई एंड डाई, फैंसी कलेक्शन, मतलब आप जिस तरह का कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं आप उस तरह का खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वुमेन कलेक्शन में जाऊँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी कौन कौन सी रेंज अवेलेबल है। उसमें से मैं आपको बताऊँगी कि टाई एंड डाई मैंने कहाँ से परचेज़ किया था। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट लॉन की टाइप्स हैं, आपको जो टाइप अच्छी लगती है वो परचेज़ करें। ये यहाँ पे टाई एंड डाई डिजिटल प्रिंट है, तो इसमें जाके आप ये टाई एंड डाई के ये सारे डिज़ाइंस परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनकी वेबसाइट की एक और अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है। लाइक अगर आप कोई भी परचेज़ करते हैं प्रिंट, लाइक मैं ये प्रिंट परचेज़ करती हूँ, तो यहाँ पर नीचे सारा कुछ मेंशन है कि विड्थ कितनी है, फैब्रिक कैसा है, और पर मीटर कितना फैब्रिक आपको मिलेगा, और आपने अगर सूट बनाना है तो आप कितने मीटर्स परचेज़ करोगे, और जस्ट आपने शर्ट बनानी है तो कितने मीटर आप परचेज़ करोगे। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारा डिटेल लिखी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा जितना आप चाहते हैं उतना परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऐड टू कार्ट करना है और आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।